हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने आप देखिए कि जाति आधारित गन्ना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गन्ना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका, आप देखे ना जी कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, पिछले विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बाप याद करिए, ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर भी मौजूद रहे, साथ ही साथ बिहार सरकार के कई तमाम मंत्री मौजूद रहे। ऐसे में जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या कुछ कहेंगे, उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगा ही रहता है और कांग्रेस ने भी अच्छी जो जीत हासिल अच्छी की है, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना में उनकी जीत हुई है उसके बाद साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास भी इस मांग रखी है, और ऐसे में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बातों को आप सुनिए। मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं, और कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए, हमारा रात दिन यही काम है। तो राज्य के हित में अपना काम कर रहा हूँ, कर रहे हैं, और देश के हित में बाकी सब एकजुट हूँ, इसके अलावा और सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर दिए हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने आप देखिए कि जाति आधारित गन्ना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गन्ना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका, आप देखे ना जी अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया है कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में एक एक को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, भाई काम करे, तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता, और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिलकर के तो हो गया, और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, पिछले विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बाप याद करिए, ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाप ने सब कुछ गड़बड़ा गया, जो भी यहाँ का, एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम करेगा। 10 तारीख आप देख रहे, एक बात हम बता देते हैं, बिहार का लोग कितना ज्यादा दूसरी जगह पर जाकर के सेवा करता है, काम करता है, और देखे एक भी कोई गड़बड़ करता है बिहार का, तो बिहार का जो कुछ भी आदमी है बहुत अच्छा स्वभाव, तो हम तो सबको ना चाहते हैं, अब पत्रकार आप लोग हैं, सबका भी बड़ा अच्छा स्वभाव है, तब ऊपर दिल्ली वाला आप लोग पर कब्जा किए, छोड़िए ना जाने। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि खैर हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से हम घर में 5 दिन के लिए बेड रेस्ट पर रहे, और ऐसे में बुखार तो 100 डिग्री से कम ही था, लेकिन फिर भी हमने जानबूझकर रेस्ट लिया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़। धन्यवाद।